हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये वेकफिट का पिलो मैंने मंगाया है, इसका मैं आपको ये क्यों लेना चाहिए इसका रिव्यू मैं करूंगी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने इसको यूज किया है। तो इसमें क्या दिक्कतें आएंगी और क्यों अच्छा है, तो मैं अच्छाई और बुराई सारी आपकी बातें बताऊंगी। आपके क्वेश्चन होंगे, मेरे आंसर होंगे। फिलहाल मैं अपने वीडियो में सारे आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी तरह से क्वेश्चन करूंगी। अगर कुछ भूल जाता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। तो इसको चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। ये पैकेट देखिए, पैकेट बहुत अच्छा बिल्कुल आया है, वेकफिट का है। आप इसको डायरेक्ट कंपनी से मंगा सकते हैं, है ना, या इसको वेयर हाउस से आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं ऑर्डर का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए, इसके बारे में चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। आपको क्या करना है कि इस पैकेट में किसी तरह की सीजर या किसी तरह का कोई भी नाइफ नहीं लगानी है। कोशिश करना है आपको इस तरह से फाड़ना है, आप यहां से ऐसे अपने नेल से हल्का सा, क्योंकि क्या होता है ना, उससे थोड़ा सा फटने का डर हो सकता है अगर आप केयरफुल नहीं रहे तो। आप देखिए, इजिली यहां से ओपन हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और इस पैकेट में और कुछ नहीं है फिलहाल, तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। और ये देखिए, इस तरह से पिलो आई है। अब आपको बताएं, ये बिल्कुल वैक्यूम कंप्रेस है, यानी कि इसमें से एयर निकाल दिया गया है, है ना। तो अब इससे क्या होगा कि ये कैरी करने में या ट्रांसपोर्ट करने में थोड़ा सा इजी रहेगा, तो इसलिए। अब आप देखिए, सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि इसमें एक एक्स्ट्रा फैब्रिक, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक देते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी दिया है। इससे क्या होगा कि आप मतलब देखिए, इसी के साथ ही अटैच है यहाँ पे, तो अगर आप चाहते हैं तो इसको इसमें पुट कर सकते हैं, इसमें अंदर आप डाल सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं करूंगी ऐसा। ये आपका हाइट एडजस्ट करने के लिए है, आपको और हाइट के लिए चाहिए तो इसको और आप फिल कर सकते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा फैब्रिक दिया गया है। काफी दिया है, ये थोड़ा बहुत नहीं है, काफी दिया है। इसी के साथ अटैच है, है ना। तो अभी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और ये देखिए, ये पूरी तरह से वैक्यूम कंप्रेस है। आप देखिए, अभी मैं इसको ओपन करूंगी तो ये अपना शेप लेने में पूरा एक घंटे लेता है। वैसे तो तुरंत हो जाएगा थोड़ा बहुत, बट ये अपना पूरा शेप लेने में एटलीस्ट एक घंटे लेते हैं। ये देखिए आप, देखिए आप देख रहे हैं, अपने शेप में धीरे धीरे आ रहा है। इसी तरह मैं इसको भी ओपन कर लूंगी। कोशिश करिए कि इसमें किसी भी तरह का सीजर या नाइफ ना लगाइए, इजिली ओपन हो जाता है। ओपन करते ही देखिए, इसमें हवा भर जाती है और ये धीरे धीरे अपने शेप में आने लगता है। पूरा एक घंटा लेगा अपने शेप में आने में ये। ये देखिए, ये दो पिलो मैंने मंगाए हैं। और ये क्या है, अच्छा ये वेकफिट की तरफ से है, हाइट एडजस्टेबल, यू कैन रिमूव एयर फिलिंग टू। ओके, देखिए, और इसमें ये दिया है, देखिए यहाँ पे साइड में जिपर भी है छोटा सा, ये देखिए, जहां से आप, ये देखिए, ये फैब्रिक आप देख रहे हैं, ये फैब्रिक कॉटन नहीं है, ये हॉलो फैब्रिक है। देखिए, ये कॉटन नहीं है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी। देखिए, ये जिपर छोटा सा दिया गया है, आप इसको यहां से फिल कर सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। तो ये है, और आप देखिए, मैं इससे पहले भी मैंने इसका मैं यूज कर चुकी हूं वेकफिट का, ये देखिए। और अभी ये आपको मैं बताऊं कि ये एटलीस्ट 5 साल की पिलो है और कोई दिक्कत नहीं है मुझे, इसलिए मैंने फिर से ऑर्डर किया और फिर से आपको रिव्यू दे रही हूं कि क्यों इसको लेना चाहिए और क्या दिक्कतें हैं, मैं दिक्कतें भी बताऊंगी। तो ये मेरा पुराना है पिलो और ये मेरा नया पिलो है। तो देखिए, मैंने ओपन कर दिया है,
अब मैं आपको आपके क्वेश्चन का आगे कंफर्टेबल और बहुत ही कोजी है और सॉफ्ट मटेरियल है इसमें, बट इतना भी सॉफ्ट नहीं है, मीडियम आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस पे सर रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये दब जाएगा, है ना, और ये हार्ड भी नहीं है, तो मीडियम सॉफ्ट आप इसको बोल सकते हैं, है ना। बहुत ही कंफर्टेबल है, जिनके नेक में पेन हो रहा है, नेक के पेन के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। और इसका जो फैब्रिक है, अब आपको समझ में आएगा कि इसका फैब्रिक क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसका फैब्रिक क्या है। देखिए ये कॉटन नहीं है, आपको मैं आप इसको टेस्ट करना यहाँ पे, ये जो फैब्रिक है आप ये जो फैब्रिक देख रहे हैं ये कॉटन नहीं है, एक्चुअली हेलो फैब्रिक है। आप इसको चाहे तो धुल सकते हैं, पानी में डाल के धुल सकते हैं और ये सूख जाएगा, है ना। कॉटन क्या होता है कि अगर आपने कॉटन को धुल दिया तो वो बिल्कुल गट्ठे गट्ठे जैसा ऐसे ऐसे, और आपको टूट जाता है, ऐसा टूट जाएगा एक जगह से, है ना, वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे कॉटन का गीला करने पे, ऐसा होता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसको आप चाहे तो धुल सकते हैं। मैं भी अपनी पिलो अभी 5 साल से यूज कर रही हूँ, मुझे जब भी धुलना होता है तो देखिए। अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसको साफ कैसे करें, तो वही मैं बता रही हूँ कि अगर आपको इसको धुलना है तो आप वॉशिंग मशीन में डायरेक्ट, फिलहाल मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं डायरेक्ट इसको ऐसे डाल देती हूँ, है ना। एक बार में एक पिलो को आप डम करिए वॉशिंग मशीन में, एक बार में एक पिलो को साफ करिए, बिल्कुल चमकती रहेगी। मैंने आपको दिखाया भी है, ये देखिए मैं इससे पहले भी पिलो यूज करती हूँ, फिलहाल तो ये थोड़ी सी ओल्ड हो गई है, बट मुझे अच्छी लगी है तो इसलिए मैंने फिर से इसको मंगवा लिया, फिर से मैंने सोचा फिर से लेते हैं, जब कोई चीज अच्छा है तो उसको लेने में क्या दिक्कत है। और काफी कंफर्टेबल है, बहुत ही कंफर्टेबल, मुझे अच्छी लगती है तो मैंने इसको मंगवाया। वेकफिट का ये मटेरियल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अब मैंने आपको वॉश करना भी बता दिया कि आप इसको वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं, है ना। और इसके इसमें इसमें कवर भी है, ये देखिए ये जो कवर है इसको भी, ये देखिए ये बहुत ही ब्रीदेबल फैब्रिक है, जो भी इसका कवर है, मतलब इसमें आप हवा आती जाती रहती है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये गर्मियों में बहुत गर्म करेगी, तो नहीं भाई ये नहीं गर्म करेगी, क्योंकि ये बहुत ही ब्रीदेबल फैब्रिक है, हवा आती जाती रहती है तो आपको अच्छा महसूस होगा, थोड़ा एयरी फीलिंग आएगी, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल है ना। तो आप जब यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा, सॉफ्ट फैब्रिक है। अब इसमें एक दिक्कत आती है कि जो कंपनी वाले हैं वो एक ही कलर ही बनाते हैं, ग्रे एंड व्हाइट, तो कुछ लोगों को लगता है कि गंदा होता है तो कोई और भी कलर होना चाहिए। तो भाई वेकफिट वाले जो वेकफिट कंपनी है उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई उनकी भी डिमांड पूरी करें, अपने कस्टमर की डिमांड पूरी करें कि व्हाइट के अलावा भी कोई कलर डालें। फिलहाल मुझे यही कलर बहुत पसंद है, बहुत ही डिसेंट कलर लगता है वेकफिट का मुझे। गद्दे भी इसी शेप में आते हैं, व्हाइट और इसी कलर में आते हैं, व्हाइट और ग्रे में, तो ये मुझे अच्छा लगता है व्हाइट और ग्रे। साफ करने का मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल आपकी पिलो, ये देखिए इसमें और ये इसमें जो है 3 मंथ की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है, और जब हमें ये मिलता है वैक्यूम कंप्रेस मिलता है और 1 घंटे बाद ये अपनी शेप में आ जाता है। फिलहाल बस यही बताना था, पिलो बहुत ही अच्छी है, आप एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहे तो यूज कर सकते हैं, है ना। इसमें चाहिए एडजस्टेबल, हाइट एडजस्टेबल है, आप इसको ज्यादा फील करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक क्या करूंगी, है ना, ये इधर उधर यूज होगा, तो इससे अच्छा मैं इसको इसमें ही रिफिल कर देती हूँ। चलिए इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी इसमें डाल देते हैं। पहले जो इसके पिलो आते थे उसमें जिप नहीं होते थे और उसमें लिखा होता था कि ये वॉशेबल नहीं है, लेकिन इसमें आप इन्होंने दिखाया है कि इसको वॉश कर सकते हैं, है ना, इसको आप आराम से वॉश कर सकते हैं। पहले चैन ही आती थी, ये जो जिप है ये नहीं होता था और इसको वॉश नहीं कर सकते थे। फिलहाल उसके बाद भी मैं वॉश करती थी, मैंने एक बार रिस्क थोड़ा सा रिस्क लिया और इसको वॉशिंग मशीन में डाला लॉन्ड्री में और इसको वॉश किया। फैब्रिक तो वही था, वही है जो अभी यूज हो रहा है, वही फैब्रिक उस समय भी था, बस ये जिपर नहीं था, उसको अलग से आप निकाल नहीं सकते हैं। इसमें ये है कि ये जिपर है और फैब्रिक भी आप निकाल सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था जो मैंने अभी आपको दिखाया पिलो जो मैं यूज कर रही थी। तो आधा आधा करके इसको इसमें डाल देती हूँ और ये कॉटन बिल्कुल नहीं है, ये हेलो फाइबर है जो ब्रीदेबल है, है ना। जब आप इस पे अपना सर रखेंगे तो ये आपके सर एक शेप ले लेगा, जो आपके सर का शेप है वो ले लेगा, और जिनको गले में या नेक में प्रॉब्लम है ना, उनके लिए अच्छा है। तो जो वेक
वेकफिट का वो मैट्रेस आता है उसी से मैच का है ये। अब देखती हूँ अगर मुझे टाइम मिला और मैं ले पाई तो मैं आपको इसके मैट्रेस का भी रिव्यू दिखाऊंगी, फिलहाल अभी कोई चांस नहीं है। बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल देखिए बिल्कुल इसको थोड़ा थोड़ा करके भरते हैं, साथ भरने में दिक्कत हो जाएगी, कहीं ज्यादा कम हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा। बहुत ही कंफर्टेबल है, आप भी इसको यूज कर सकते हैं, ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा आप भी रिव्यू दोगे। मुझे तो 5 साल से ऊपर हो गया है तो मैं फिर से यही लिया है, इसी को ले लिया फिर से, देखिए है ना। अभी थोड़ी देर में जब ये 1 घंटे में अपने प्रॉपर शेप में आ जाएगा तो ये पूरा हाइट एडजस्टेबल हो जाएगा, देखिए है ना। अच्छा है ना, ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज अपना कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।